राम राम जी सर, है ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कॉलेज की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आज जो लगने वाली है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डीएचसी की वेबसाइट के ऊपर आना, जो आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये पिछले साल का प्रोसेस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में देखोगे ना, तो यहाँ पे तीन लाइन्स है, इन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे पहले यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस दिखाता है, लेकिन अब इसके नीचे एक आवर नो योर रिजल्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे यहाँ पे आपको क्या करना, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, आपका नेम ऑफ कैंडिडेट और आपको एडमिशन सेलेक्ट करना, ठीक है, ये चीजें आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको क्या है कि आपने जो कैंडिडेट है उसका नाम आपको यहां पे फिल करना पड़ेगा। तो आप यहां पे अपना जो कैंडिडेट है उसका नाम यहां पे फिल कर सकते हो। जैसे ही आप कैंडिडेट का नाम फिल करोगे उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट एडमिशन का, बाद आप यहां पे एडमिशन सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे सिर्फ यूजी आएगा, उसके बाद आपको यहां पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट सिलेक्ट करके गो पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि भाई वेबसाइट पे लोड बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अलग से इंटरफेस खुल के आ गया इस टाइप से, ठीक है। रिजल्ट ऑफ यूजी पीजी एडमिशन आपकी सारी चीज दिखा देंगे, उसके बाद आपको नीचे दिखाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें दिखने के बाद आपको नीचे दिखेगा कि आपका कॉलेज का नाम कौन सा है, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज में आपका नाम आया है, कोर्स कौन सा था आपका, जैसे इसका बीएससी था, ठीक है। उसके बाद इसके सब्जेक्ट दिखा देंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपने फिल किए थे, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रेफरेंस नेम, यानी कि इसकी जो मतलब इसने कौन सी प्रेफरेंस पे ये कॉलेज रखा था, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, ठीक है। तो इसने अपना जो कॉलेज है वो आपने तीसरी प्रेफरेंस पे रखा था, इस कॉलेज में इसका नाम आया, पहली और दूसरी प्रेफरेंस में इसका नाम इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि भाई वहां पे इसकी मेरिट लिस्ट से ज्यादा नंबर के बच्चों के एडमिशन हो चुके, कट ऑफ ज्यादा थी, इसके नंबर कम थे, इस वजह से, ठीक है। सो सभी को अपनी लिस्ट ऐसे ही चेक करनी है, और अगर किसी का नाम आ जाता है उसको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कल जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना कॉलेज में जाकर, ठीक है। अगर नहीं लेना तो उसके लिए आप डेफर सीट कर सकते हो, ठीक है। डेफर सीट के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, वो आप वीडियो देख सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।